आपको सुन के हैरानगी होगी, बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे, योग जो आज सारे विश्व में करोड़ों लोग कर रहे हैं वो भारत में ही जन्मा और भारत में ही पनपा। हालांकि ये बात भी सत्य है कि लगभग 100 साल पहले तक ये लुप्त प्राय हो गई थी विद्या। हमारे शास्त्र इस बात की प्रमाण है कि योग आज से नहीं अनादि काल से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। गीता में देख लीजिए, वेदों में देख लीजिए, उपनिषद में देख लीजिए, और भी जितने हमारे प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ हैं, सभी में योग की महिमा गाई गई है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उन ऋषियों की संतान हैं जिन्होंने इस महान विद्या का स्थापना किया। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं है, ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जहाँ पे योग जैसी अद्भुत विद्या की संरचना की गई हो, सिवाय भारत के। अद्भुत विद्या मैं इसे इसलिए कहता हूँ कि केवल योगियों ने ही गौर किया कि हम क्या हैं, कौन हैं, हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, हम दुखी क्यों हैं, हम दुख से कैसे उबर सकते हैं, हर बात की विवेचना की। हम केवल शरीर नहीं है, मेडिकल साइंस भी कहती है कि बॉडी नहीं है, माइंड भी है, ब्रेन भी है, लेकिन योगी हजारों कदम आगे है। वो ये कहते हैं कि बॉडी और ब्रेन ही नहीं है, हम हमारे अंदर एक चेतन तत्व भी विराजमान है, परम पिता परमात्मा का जो अंश है वो हमारे अंदर है, हम उसी के अंश है। हमारी अज्ञानता के कारण, लोभ के कारण, अहंकार के कारण, मोह के कारण हम लोग परम पिता परमात्मा से संबंध अपना विच्छेद किए हुए हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। हमारा आहार गलत है, बहुत ही अप्राकृतिक आहार खाने के आदि हो गए हम, विचार हमारे बहुत गलत हैं, हर वक्त हम बुराई सोचते हैं, हर वक्त भय चिंता और क्षोभ में रहते हैं हम लोग, ये भी कारण है हमारे दुखों। और हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि थे, माता पिता देव, यानी तीन ऋणों से हम ग्रसित हैं। दुनिया भर की आप किताबें पढ़ लें, कहीं भी इतना डिटेल में नहीं लिखा कि हम दुखी क्यों हैं, तो ये बहुत लंबा विषय है। मैं फिलहाल आपको वो देना चाहता हूँ जिससे कि आज इसी क्षण आपको आपकी तकलीफों से राहत मिले। पहले सब करेंगे वक्रासन, बाएं टांग को सीधा कर दीजिए, बाएं टांग को सीधा करिए, दाएं टांग को मोड़िए, एंड नाउ ब्रिंग योर अदर आर्म आउटसाइड द लेग एंड द अदर हैंड इज एट द बैक ऑफ योर बॉडी। पीछे देखिए, श्वास पेट में भरेंगे छोड़ेंगे, 10 टाइम्स यू विल ब्रीथ इनटू द स्टमक वेरी डीपली, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट very deep, try to stretch, don't strain your neck, keep it easy, gehra shwas lenge chhodenge। is vakrasan ko karne se pehli baat to ye hai ki ardhmat sindrasan karne mein madad milegi, dusra iska labh ye hai ki reedh ki haddi mein bhi rahat deta hai, puri ki puri meru mein lot aati hai, shakti aati hai, dard se rahat milti hai, और आपकी डाइजेशन मजबूत होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया है, और आपकी किडनी भी ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। प्लीज चेंज योर लेग्स एंड आर्म्स, वक्रासन दूसरी तरफ करें, श्वास गहरा भरते रहिए, पेट में जाना चाहिए। इस आसन को वक्रासन कहते हैं, यानी नहीं कर सकते वो इस आसन को करके उसके जो काफी सारे लाभ ले सकते हैं। पेट में श्वास भरते रहिए तथा छोड़ते रहिए, ध्यान रखेंगे अगर दायां पांव मोड़ा हुआ है तो बायां बाजू उसको पेट की तरफ दबाए, और गर्दन में तनाव नहीं होना चाहिए, कम से कम 7 या 10 बार श्वास लें और छोड़ें। प्लीज चेंज योर लेग्स एंड आर्म्स, डू द सेम ऑन द अदर साइड, चले जाइए। शुरू शुरू में अगर ज्यादा देर नहीं रुक सकते हैं तो कोई बंदिश नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पीछे देखिए, तनाव नहीं चाहिए गर्दन में बिल्कुल, ज्यादा ट्विस्ट आपका लोअर बैक के पास होना चाहिए, वेस्ट लाइन पर, इससे आपको कब्ज में भी लाभ होता है, डायबिटीज में और कमर में भी लाभ होता है।
डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है। प्लीज आ जाइए सामने, अब सीधे होकर बैठ जाइए, पांव फैला लीजिए, बाहों को फैलाइए, नाड़ी संचालन करने की अवस्था में तैयार बैठ जाइए, बाएं ऊपर करें, सामने देखिए, रेडी कीप मूविंग। एक ही स्पीड पे करेंगे, जिनको कमर में दर्द रहता है ऐसे सज्जन और देवियां बच्चे बुजुर्ग नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग ये करें तो वेट लॉस में आपको बहुत तेजी से लाभ मिल सकता है और आपकी स्पाइन में भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, टांगों में, जांघों में, हिप जॉइंट्स में, हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी आती है, उसका अपना लाभ। आप बैठ जाइए, ये जो अभी आपने देखा इसको नाड़ी संचालन कहते हैं, जीवन तत्व का बड़ा महत्वपूर्ण अंग। अब करेंगे अधोमुखी कटी चाल। हैंड्स ऑन द ग्रास वन अबव द अदर, नीज आर ऑन द कुशन, डोंट लिफ्ट योर चेस्ट अप, चेस्ट इज ऑन द ग्राउंड ऑलमोस्ट। नाउ यू विल स्टार्ट विद टेकिंग योर लेग्स टू द राइट साइड फर्स्ट, देन लेफ्ट, रेडी स्टार्ट फास्ट। ये बहुत ही बढ़िया अधोमुखी कटी चालन है जी, ये जीवन तत्व के आसन में से ही है, जो पहले आपने देखे हैं महाप्रभु रामलाल जी ने दिए थे, पग चालन, जानु चालन, सुप्त पादक उष्टासन, बाल मचलन आदि, ये उसी की श्रृंखला में एक बढ़िया योगिक व्यायाम है। इसे आसन नहीं कहूंगा, उल्टे लेटकर टांगों को मोड़ के बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, तेजी से। ट्राई टू लुक एट योर फीट each time, at least 20 times you will go fast, left and right in continuous normal breathing. आप देखेंगे कि जितना ही आपका पेट बड़ा हुआ हो, जितनी waistline मोटी हो, जितना आपको गैस होती हो, कब्ज रहती हो, स्पाइन में अकड़न रहती हो, आप ये रोज करेंगे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। इसके अलावा बाहों पे जो एक्स्ट्रा फैट हो या गर्दन में डबल चिन हो या फैट नेक हो, उसमें भी आपको इससे फायदा हो। लेकिन ध्यान रहे, जिनको कमर में दर्द रहता है वो इसे शुरू शुरू में नहीं करेंगे, किसी अच्छे अनुभवी योगी के पास जाकर इसको समझें और तभी इसको करें, तभी लाभ होगा। नाउ अधोमुखी पाद हस्त स्पर्श आसन, टांग ले जाएंगे दाएं को बाईं तरफ और बाईं से दाएं तरफ, रेडी लाई डाउन ऑन द स्टमक, आर्म्स आर स्ट्रेट एट शोल्डर लेवल, टांगों को मिला लीजिए, फीट आर टुगेदर। व्हेन आई विल से स्टार्ट तो आपका बायां पांव दाएं हाथ के पास जाएगा, एंड लिफ्टिंग योर वेस्ट लाइन एंड द लेग, रेडी take your left leg over to the right hand side, look at your foot, take a deep breath, saans bhartte hue le jayenge, thodi der rokenge, shwas chhodte hue wapas in the center, come back, now start on the other side, breathe in, stay there for a while, shwas chhodte hue wapas, come back, start, look at your feet, this is left foot, saans bhar ke dekhiye, yahi rukiye, thodi der rukiye shwas ko bhi, shwas chhodte hue wapas, start on the other leg, take a deep breath, ye jo abhi aap asan dekh rahe hain ye ati uttam asan hai, खास तौर पे जिन लोगों को हिप्स और थाइज में वेस्ट लाइन और पेट मोटी हो, आप ये रोज करेंगे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। इसको आप तेजी से थोड़ा चलाएं, अब रुकने की जरूरत नहीं है, पांच पांच बार तेजी से एकदम लेके जाएंगे, रुकेंगे नहीं, वापस आएंगे, मूव, गो बैक, डोंट स्टे, रीच एंड गेट बैक, द अदर लेग रिमेन स्ट्रेट। फैट घटाने के अलावा आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन में इतनी लचक आ जाती है कि कभी भी आप बैक पेन से पीड़ित नहीं रहते,
और खास तौर पे जो लोग सारा दिन बैठने का काम करते हैं कि जगह पे कई कई घंटे, ऐसे लोगों को ऐसे आसन करने से बहुत लाभ मिलता है। लेकिन अगर ऑलरेडी तकलीफ है तो आप इस आसन को या व्यायाम को बिल्कुल नहीं करें। नौ पेट पर लेटिए। सबसे पहला मकर आसन इज वन फिस्ट ओवर द अदर, एक मुट्ठी के ऊपर दूसरी मुट्ठी या रिस्ट के ऊपर दूसरी मुट्ठी रख दीजिए, उसके ऊपर छोटी रख दीजिए, दोनों पांव में थोड़ा गैप रखिए, आंखें बंद, पांच बार श्वास लेंगे, गहरा श्वास लेते रहिए छोड़ते रहिए, नो मूवमेंट येट, खूब गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। इससे आपको नेक में टेंशन, हेड में टेंशन, हेडेक हो, स्पोंडिलाइटिस हो, उससे आपको लाभ मिलेगा। चक्कर आते हो आप इस आसन से लाभ ले सकते हैं। इसे कहते हैं मकर आसन, मकर माने मकड़ी। अब इसको सिर को पहले ले जाएंगे राइट साइड, टेक इट टू द राइट, टेक योर हेड टू द राइट साइड, इतना साइड में जाने दीजिए धीरे धीरे कि दायां कान दाएं कंधे पर जाके लगे, पूरा ले जाइए विद इट स्ट्रॉन्ग वेव, नो प्रेशर, नो जर्क, नो फोर्स, एंड ब्रीथ इन डीप, बिना रुके धीरे धीरे कम बैक एक्सहेलिंग, कम बैक टू द सेंटर। जितना धीरे करेंगे उतना आपको अधिक लाभ मिलेगा। जिनको नींद नहीं आती है, जिनको माइग्रेन हेडेक्स है या दूसरा हेडेक है या तनाव रहता है, आंखों में जलन रहती है, चक्कर आते हैं, ऐसे लोग इसे रोज करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। टेक योर हेड टू द अदर साइड, टेक योर हेड टू द लेफ्ट हैंड साइड, श्वास भरते हुए साइड में जाएंगे, छोड़ते हुए बीच में लेकर आएंगे। लेकिन जल्दबाजी से करने से आपको बजाय लाभ के नुकसान होगा। शुरू में पहले सप्ताह केवल पांच या सात बार ले जाएंगे ईच साइड, और दूसरे सप्ताह इसको दस बार तक ले जा सकते हैं, तीसरे सप्ताह पंद्रह बार, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। कीप मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड, अपने आप चलाते रहिए, अपने आप स्पीड पे, पेस पे, अपने रिक्वायरमेंट पे, कैपेसिटी पे चलाते रहिए। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, तनाव से रहित हो जाइए बिल्कुल, गर्दन में कोई तनाव नहीं होना चाहिए, नो टेंशन व्हाटसोएवर, नो जर्क, नो प्रेशर शुड बी अप्लाई, जस्ट गो विद द वेट ऑफ योर ओन हेड, लेट इट फॉल फ्रॉम साइड टू साइड जेंटली। अब करेंगे मकर आसन नंबर दो, सिर ऊपर उठाइए, सपोर्ट योर चेन विद योर बोथ हैंड्स, elbows should be placed on the cushion and that too under your chin, not beyond your chin, elbows are not absolutely together, little away, feet are not so wide, just about 15-18 inches away, eyes are closed, continue breathing। ये मकर आसन नंबर दो है। अक्सर लोग सारा दिन कंप्यूटर पे काम करने पे या ड्राइविंग करने से थकावट में आ जाते हैं, दर्द में आ जाते हैं, आकर टीवी भी उल्टे होके टेक लगा के देखते हैं, उससे बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, कमर में दर्द, स्पोंडिलाइटिस, हेडेक आम बात हो रही है। ऐसा करके अगर आप थोड़े मिनट, एक दो मिनट भी रोज अगर ले लेने का धीरे धीरे बढ़ाकर अभ्यास ले जाएंगे तो आपको इन तकलीफों से राहत मिल सकती है। कुछ एक देर आप टीवी ऐसे लेट कर भी देख सकते, आपको लाभ मिलेगा। श्वास गहरा भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, आप ले जाएंगे, यू विल मूव टू द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड ऑन द फ्लोर, टेक योर होल बॉडी टू द राइट हैंड साइड, गो ऑल द वे, श्वास भरते हुए जाइएगा, कमर को भी उठाते जाइए, लिफ्ट योर वेस्ट लाइन ऑल द वे, ओनली द फुट रिमेंस बैक, ओनली द फुट रिमेंस बैक, टेक अ डीप ब्रेथ, गो टू द साइड, कम बैक ब्रीदिंग आउट, कम बैक ब्रीदिंग आउट, कम बैक इन द सेंटर, यूज द अदर हैंड ऑन द चिन, राइट हैंड ऑन द फ्लोर, दायां बाजू धरती पर रख के बाईं ओर सांस भरते हुए सारी बॉडी को लेके जाएंगे। आपका पाउंड है वही पड़ा रहेगा, बाकी सब उठ जाए बिना तनाव। यदि आपको कमर में बहुत भयंकर पीड़ा है, शियाटिका पेन रहता है, तो फिर आप इस आसन को नहीं करेंगे, इससे आपको शियाटिका में तकलीफ बढ़ सकती है। प्लीज कम बैक। नाउ प्लीज रिलैक्स लाइक ए बेबी स्लीप्स।
इसको कहते हैं बाल शयनासन। जैसे बच्चे छोटे नए बेबी जो होते हैं न्यूली बोर्न बेबीज या इन्फेंट्स, यू कैन सी देम ऑफन लाइंग डाउन इन दिस पोजीशन, इसलिए उनके नाम से लिया गया है। जिनको गर्दन में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, या सारा दिन जो है मतलब तनाव में रहते हैं, बैड पोस्चर में रहते हैं और रात को आके पिलो ले लेते हैं मोटा मोटा, टीवी देखते हैं, उसमें उनको और तकलीफ बढ़ जाती है आराम की बजाय। ऐसा देखने से एक तो निद्रा गहरी आती है, पिलो की आवश्यकता नहीं रहती, बैक को रिलीफ मिलता है, शारीरिक पेन में भी राहत मिलती है। और जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी क्योंकि डीप रिलैक्सेशन इससे मिल जाती है तो दे कैन ओवरकम यू नो ऑल दैट प्रॉब्लम। इवन डायबिटीज वाले भी अगर ऐसे लेते हैं और गहरा श्वास के ऊपर ध्यान लगाते हैं बाल शयनासन में, तो उसमें भी इस बाल शयनासन से लाभ हो सकता है। पता नहीं वो घुटने धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं, एट ए वेरी यंग एज पीपल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम नी पेन। तो ये पहली जो है व्यायाम है नी पेन को हटाने का। इसके बाद आप दाएं टांग को मोड़ के ऊपर नीचे करिए, राइट लेग बेंड एंड मूव अप एंड डाउन। हथेली जो है आपकी शरीर के पीछे रहेगी, ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आधे रास्ते में झूला झुलाएंगे, छोटा छोटा झूला झुलाएं। अब पांव बदलिए, दूसरे पांव के साथ करिए, छोटा छोटा झूला करेंगे। इससे आपके घुटनों में अगर दर्द है, एंकल में दर्द है, राहत मिलेगी, पिंडलियों में थकावट है, राहत मिलेगी। अब दोनों पांव मिला के पांव को बाहर और अंदर को तानिए, पांच पांच बार अंदर बाहर तानिए, आगे पीछे करिए अच्छे से। इससे भी आपके घुटनों में अगर दर्द हो तो लाभ मिलेगा। आप एक टांग को मोड़िए और ड्रॉप कर दीजिए, आप बाएं को मोड़िए, पूरा स्लाइड कर दीजिए, बार बार ड्रॉप करें, उठा के नहीं स्लाइड करें। ये भी चार पांच बार करें, सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, घुटने दर्द वाले को बहुत राहत मिलेगी तुरंत। लेकिन साथ ही ये ध्यान रखें, अगर ओवरवेट है तो जिनको घुटनों में दर्द है दे मस्ट रिड्यूस देयर वेट आल्सो एंड स्टॉप यूजिंग हाई हील। आप दोनों टांगों को मोड़ के गिरा दीजिए, दोनों टांगों को फैलाते हुए गिरा दीजिए बार बार। नाउ ऑन दैट शोल्डर लेवल स्ट्रेटन योर लेग्स, लेग्स स्ट्रेट रखेंगे, लेटे लेटे आपका पांव धरती पर पड़े हुए हाथ को छूता है। You will take your right leg to the left hand side. Right leg goes to the left hand side. Head to the right hand side. Stay there for a while. Breathe in. Hold the breath. Out. Get back to the center. ये आप जो आसन देख रहे हैं, सुप्त हस्त पादा गोष्ठासन, लेटे लेटे आपका पांव धरती पर पड़े हुए हाथ को छूता है। इसको आप चलाते रहिए तीन बार इधर तीन बार उधर। अब आप कर रहे हैं सुप्त हस्त पादा गोष्ठासन, लेटे लेटे आपका पांव धरती पर पड़े हुए हाथ को छूता है। Take your right leg to the left side, right leg to the left hand side, stay there, head to the right hand side. इससे आपकी hips और thighs और waistline और पेट में और बाहों में जितनी extra चर्बी है उसको घटाने में आपको मदद मिलती है। लेकिन कम से कम 10-10 बार करेंगे। Come back, start on the other side. Come back and relax. Relax करिएगा, drop कीजिए, 3-4 time drop कर लीजिए। आप करेंगे त्रिकोण आसन की तैयारी, स्विंग करें तीन तीन बार, वापस दूसरी तरफ
तीन बार स्विंग करेंगे, छोटा छोटा स्विंग, झूला झुलाइए, फिर करेंगे तीन तीन बार दूसरी तरफ, झूला झुलाएंगे तीन तीन बार। जिन लोगों को आदत नहीं है आसनों के करने की या और किसी व्यायाम को करने की, ऐसे लोगों को सीधे सीधे क्लासिकल आसन कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। ये जो व्यायाम आप कर रहे हैं ये त्रिकोण आसन को करने में आपको मदद देगा, और जिनको स्लिप डिस्क हो जाता है या बैक में अक्सर पेन रहता है, ऐसे लोगों के लिए बड़ी रामबाण की तरह आसन काम करेगा। लेकिन धीरे धीरे करिएगा। अब करेंगे त्रियक कटी चालन। दाएं हाथ को कंधे पे रखिए, बाएं पे, बायां हाथ एट द बेस ऑफ द स्पाइन रखेंगे। धीरे धीरे ऐसे तो यू स्टार्ट मूविंग ऑन द लेफ्ट साइड। जो हाथ पीछे जाता है आपने उसी डायरेक्शन को पीछे जाना है और दूसरी एड़ी उठ जाएगी। विल डू इट थ्री टाइम्स ओनली। इनहेलिंग स्ट्रेच योर बॉडी बैक, लुक बैक, अच्छे से पीछे देखिए। जिनको चक्कर आते हैं या शाटिका पेन है या बैक पेन है, ऐसे लोग इस आसन को नहीं करेंगे शुरू शुरू। प्लीज कम बैक ब्रीदिंग आउट। श्वास का योग में बहुत भारी महत्व रहता है। श्वास भरते हुए स्ट्रेच करेंगे, छोड़ते हुए वापस आएंगे। गो टू दिस साइड। खूब गहरा श्वास भरें और स्ट्रेच करें मैक्सिमम। गर्दन में तनाव नहीं चाहिए। जहां आपने गर्दन में तनाव दिया तुरंत आपको गर्दन में तकलीफ आने का अंदेशा रहेगा। रिपीटेड थ्री टाइम्स ऑन ईच साइड मिनिमम एवरी डे। धीरे धीरे बढ़ाकर इसे आप पांच बार तक ले जा सकते हैं। जो लोग गोल्फ खेलने जाते हैं उनकी प्रिपेरेटरी एक्सरसाइज में ये बहुत मदद कर सकती है। बैक में पेन नहीं होती है जो लोग इस व्यायाम को करते रहते हैं नित्य प्रति। रिलैक्स, ओपन योर लेग्स, बेंड योर नीज, हैंग अपसाइड डाउन लूजली। रिलैक्स, तनाव नहीं चाहिए, बिल्कुल तनाव नहीं चाहिए, झूलने लो। डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगी राज लाल जी महाराज से मुफ्त परामर्श करें। योग दिव्य मंदिर, सेक्टर 6, आर के पुरम, नई दिल्ली।